चलते चलते मनोज जी बिग न्यूज 92.7 विज्ञापन पर हमने एक कोशिश शुरू की है कि लिसनर्स को पता चले कि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में आसपास होते हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं और वो असली जिंदगी के बिग हीरोज होते हैं। बिग हीरोज के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमारे भविष्य सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो जिसके बारे में मैं रेडियो पे निशा से बात कर रहा था कि ये कहना बड़ा आसान होता है कि ट्रैफिक वाले जो है पैसा लेते हैं, लेकिन पैसा देने की पहली शर्त कौन रखता है? हमेशा अपने अनुभव से सब लोग आप बताए कि कोई भी अपना लाइसेंस जब्त नहीं होने देता है। ट्रैफिक वाले को घूस का लालच हमेशा आम आदमी देता है जो गाड़ी लेकर के चल रहा था। मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? और इतने पूरे धूप में पोल्यूशन में आप आधे घंटे आप खड़े होकर के सड़क पे आप जब बस का वेट कर रहे होते हैं आपका चेहरा उतर जाता है। ये 18-18 घंटे की ड्यूटी करते हैं ये लोग अपने घर परिवार से दूर। और जो ग्रीन कॉरिडोर का मसला होता है तो ये पूरा डिपार्टमेंट सड़क पे उतर आता है और किसी तरीके से ये ऑर्गन को ट्रांसफर करने की अपनी जीतोड़ मेहनत करते हैं एक जान बचाने के लिए। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सड़क पे खड़ा होता है और जो कि आप इस फिल्म में भी देखेंगे कि फ्रॉम कमिश्नर टू लोअर लेवल हर आदमी हर कांस्टेबल हर अफसर लग जाता है एक जिंदगी बचाने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम अगर रिकग्नाइज करें हम अपना हम इनकी प्रशंसा करें इनके लिए यही काफी है। सबको घूसखोर कह देना ये हमारी सबसे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी। धन्यवाद। थोड़ा साइड हो जाए भाई हो गया अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सो नर्वसनेस ये नहीं थी कि कैसे करना है, नर्वसनेस ये थी कि इतने सारे बड़े एक्टर्स हैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। सो बट वही जैसे मैंने कहा कि एक सबसे अच्छी बात ये है कि सबका अपना अपना पार्ट है। सो घुमा दिया हुआ है क्या बोले विद द कॉन्सेप्ट विद सच अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट हम सबको अपना अपना काम करने के लिए मिला। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट वेरी लकी दैट आई एक्चुअली गॉट आपके पास ये प्रोजेक्ट कैसे आया और आपने कैसे डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा सकता है क्योंकि आपको कई सारी फिल्में ऑफर हुई है इससे पहले भी तो ये फिल्म पर्टिकुलर फिल्म आई हैव बीन डूइंग टेलीविजन फॉर लास्ट 7 ईयर्स और टेलीविजन करते हुए कुछ फिल्में आई जो इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट ये फिल्म मैंने पहले मलयालम में दिखाई है मुझे और उसके बाद मैंने जैसी फिल्म खत्म की देखी और मुझे आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग दीज गाइस एंड सेइंग दैट यू नो आई एम इन फॉर इट एंड देन दे कॉल्ड मी अप फॉर अ लुक टेस्ट एंड दे लाइक्ड इट एंड दैट्स हाउ आई गॉट इट। क्योंकि ट्रैफिक की बात हो रही है तो क्या कभी ऐसा हुआ है आपके रियल लाइफ में आपने कितनी बार ट्रैफिक तोड़ा है कितने रूल्स तोड़े हैं? मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कभी नहीं तोड़ा है लेकिन हाँ जनरली मैं खुद ड्राइव नहीं करता हूँ। सो मैं जब भी जो मेरे ड्राइवर हैं जो वो कभी भी तोड़ते हैं तो मैं भी उन्हें डांटता हूँ अंटिल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो भी नहीं तोड़ना चाहिए एक्चुअली। बट यस वो गलती मैंने की है और मैं भी सुधारूंगा और आप सब भी कभी ऐसा नहीं करना चालान हुआ आपका? हाँ जी एक बार कभी घूस देने की कोशिश की है ट्रैफिक पुलिस? जी मैं जैसा बोल रहा हूँ कि मैं कभी खुद ड्राइव नहीं करता हूँ तो मैं कभी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे एक बार सिर्फ चालान इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा मैं ट्रैवल कर रहा था लॉस्ट माई वॉलेट और मेरा लाइसेंस चला गया था और देवर आस्किंग फॉर लाइसेंस आई डिडंट हैव अ लाइसेंस सो उसकी वजह से मुझे एक बार चालान करना पड़ा था।
कई बार ऐसा हुआ कि जो टीवी सेलेक्ट जब बॉलीवुड में डेब्यू करते हैं तो वो टीवी से एकदम ही अपना रोल मोड़ लेते हैं, तो क्या ऐसा आपके साथ भी देखेंगे क्या? अगर फिल्म सक्सेसफुल होती है तो क्या बॉलीवुड टीवी की तरफ आपको देखा जाएगा? ऑफ कोर्स आई एम एन आर्टिस्ट और जहां मुझे अच्छा काम मिलेगा मैं करूंगा, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो सिनेमा हो। इसीलिए मैं इतने टाइम तक टेलीविजन से जुड़ा रहा और कभी जल्दबाजी नहीं की फिल्म के लिए, क्योंकि मुझे टेलीविजन से बहुत कुछ मिला रहा है। एवरीथिंग आई गॉट इज बिकॉज ऑफ टेलीविजन। सो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि टेलीविजन छोड़ा, जो भी जहाँ पर भी अच्छा काम होगा चाहे वो कोई चीज़ हो और या फिर सिनेमा हो, आई वुड लव टू। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगी कितना, क्योंकि आज इन लोगों को सम्मानित किया गया, बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है जब ट्रैफिक पुलिस वालों को सम्मानित किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इससे? देखिए आज हमने ट्रैफिक पुलिस वालों को सम्मानित किया और मैं अंदर स्टूडियो में भी मैं बोल रही थी कि बहुत थैंकलेस जॉब है। कितनी बार अगर ये हमें रोकते हैं तो जैसा मनोज ने भी कहा कि हम पहले होते हैं जो हमें ऑफर करते हैं कि भाई 100-200 रुपये लेके छोड़ दें, चालान ना हो। लेकिन अगर मैं कई बार त्योहारों पर सोचती हूँ, या आप लोग तो मुंबई में देखते होंगे गणपति के टाइम पे, क्या उनका त्यौहार नहीं है दिवाली होली? क्या उनका त्यौहार नहीं है? सर ठंड में, गर्मी में, बरसात में, जब हमें हर मौसम से हर्ट हो सकता है, क्या उनको नहीं होता? बट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, स्टैंडिंग देयर। और जो हमारा शो बिग हीरोज है उसमें सिर्फ यही लोग नहीं, मैं हर हफ्ते ही शो करती हूँ दिल्ली में, अब ये नेशनल जाएगा, हम लोग ऐसे ही लोगों की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, हम स्टार्स की बात करते हैं, बट कितने लोग हैं जो चुपचाप जाके झुग्गियों में हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई म्यूज़िक सिखा रहा है, कोई मेरे शो पे एक बच्ची आई थी 12th में पढ़ती है, वो रोज़ रात में जाके रेस्टोरेंट से 8 बजे के बाद खाना इकट्ठा करती है, 10 बजे के बाद जो खाना बच जाता है वो झुग्गियों में जाके बांट रही है। हमारा भी तो, हम लोग तो नहीं सोचते ना ये सारे काम। तो हमारा जो शो में हीरोज़ है वो ऐसे ही लोगों को सल्यूट करता है जिनको नॉर्मल में सोसाइटी सल्यूट तो बहुत दूर की बात है, पहले तो जानती ही नहीं। सो दोस्त अनसंग हीरो साथ ही है हमारे, इसीलिए अनसंग हीरोज़ है। विशाल जी, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा बिग हीरोज़ का? मैं तो हम लोगों ने पहले भी रेडियो पे ही कहा कि मेरे लिए मैं जब ऐसे सबको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने में इतने मशरूफ़ होते हैं, अपनी ज़िंदगी में इतने खोए हुए होते हैं कि हमको नहीं समझ में आता हम क्या करें। सो वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में से अपनी अपने स्वार्थ को हटाकर किसी और की खुशी के लिए कुछ करते हैं, आई थिंक जॉली हैट्स ऑफ टू देम। एंड यू नो, अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में से कुछ कुछ टाइम किसी ऐसे इंसान के लिए निकालें जिससे थोड़ी खुशी मिल सके, सो आई थिंक हमारी ज़िंदगी से कुछ नहीं जाएगा लेकिन किसी और की ज़िंदगी में बहुत खुश। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, दिल्ली में मेरे शो पर एक लेडी आई थी जिनकी बेटी का ऑटो पलटा एक्सीडेंट हुई और डेथ हो गई। वो लेडी पिछले 3 या 4 साल से उस सड़क पर रोज खड़ी रहती है, एंड शी सेड आई हैव लॉस्ट माय डॉटर इन दिस एक्सीडेंट। तो ऐसे ट्रैफिक, आप लोगों के साथ कई बार ऐसे वॉलंटियर्स होते होंगे, एक ट्रैफिक वाले बाबा हैं नोएडा में, वो ऐसे ही क्योंकि उनके बेटी की डेथ हो गई थी, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अभी दिल्ली में ऑड इवन चल रहा है, इतने सारे वॉलंटियर्स सड़क पर खड़े हैं लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑड इवन नियम फॉलो करो। तो इतने सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जिनको हम सल्यूट नहीं कर पाते। विशाल ऑल्सो जाना चाहेंगे, जो इस फिल्म के निर्देशक हैं वो हमारे बीच नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो उनकी कोई एक ऐसी कही बात जो आप हमेशा याद करते हो, कैसा था उनके साथ वो एक्सपीरियंस? मेरे लिए तो उन्होंने हमें हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट किया है, एंड एक्चुअली वो खुद भी एक बच्चे की तरह थे, यू लव इंडियन। हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे, बिकॉज जो ओरिजिनल फिल्म है वो भी उन्होंने डायरेक्ट किया। सो सिर्फ कमी और दुख इस बात का होता है कि आई विश वो यहाँ होते हैं, क्योंकि ये उनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो भी बॉलीवुड में एंटर करना चाहते थे दिस फिल्म। सो इस फिल्म के हर एक फ्रेम में, हर एक गाने में, हर एक चीज़ में आई थिंक राजेश सर हैं, एंड आई थिंक जब ये फिल्म रिलीज रिलीज होगी तो उनको बहुत खुशी होगी। सो वी आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी इन द सेम। बॉलीवुड के दबंग खान को फिल्म दिखाने की प्लानिंग की जा रही है, सलमान को मनोज भट्ट पे चाहते कि सलमान को एक बार फिल्म दिखाई जाए, क्या किसी तरीके का डर है कि उनका रिव्यू कैसा होगा फिल्म को लेके? आई थिंक कुछ एक हफ्ता पहले मैंने सडनली आई सॉ हिज ट्वीट सेइंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म, एंड आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई एम अ बिग सलमान खान फैन सिंस चाइल्डहुड, लाइक यू नो। सो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी दैट ही ट्वीटेड अबाउट द फिल्म। सो आई थिंक वो खुद लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मैंने देखा है और बहुत सुना है उनके बारे में। सो आई थिंक जब वो फिल्म देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। सो डर किसी बात का नहीं है, आई थिंक मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनको फिल्म पसंद आएगी। विशाल, 6-7 साल से आप टेलीविजन पर काम कर रहे हैं, आप बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, तो कितना मुश्किल हुआ आपके लिए इस फिल्म में काम करना, कितनी डिफिकल्टीज आई इस फिल्म की बात करें? टीवी में रोज 12 घंटे की शूटिंग के साथ साथ फिल्म के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल था, बट आई वुड जॉयली लाइक टू थैंक माई प्रोडक्शन हाउस होती है जिन्होंने उस टाइम पर मैनेज किया कि जितने दिन भी मुझे जाना था वो शूटिंग पूरी हुई, शूटिंग भी, और उन्होंने हमेशा साथ दिया।
सो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू माई प्रोडक्शन हाउस एंड यहाँ के फिल्म के सारे प्रोडक्शन वाले जिन्होंने दोनों तरफ से मैनेज किया सो दैट आई कुड कम एंड शूट एंड फिनिश दिस फिल्म. सो आई थिंक आई जस्ट फील लकी. विशाल एक चीज़ और जानिए, क्या उन लोगों का क्या रिएक्शन था जो आपके टीवी टीम है, उन लोगों का कैसा रिएक्शन मिला ट्रेलर के बाद? यार बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है फिल्म के लिए और सब बहुत एक्साइटेड है. सब ने अपने अपने वॉल्स पे शेयर किया है एंड ऑल दैट. कल लास्ट नाइट आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर स्टार परिवार एंड आई मेट लाइक अदर एक्टर्स आल्सो फ्रॉम टेलीविजन वर नॉट वर्किंग विद मी ऑन द शो ऑन माई शो. तो सब ने इतने अच्छे से कहा कि फिल्म बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, ट्रेलर्स आर वेरी नाइस और बहुत एजी हैं. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म. सो वहीं से लग रहा है कि लोग एक्चुअली पसंद कर रहे हैं फिल्म को. सो आई एम होपिंग कि ट्रेलर को इतना प्यार मिला है तो शायद फिल्म को तो उससे ज़्यादा मिलना चाहिए. सो आई से गाइस प्लीज आप ये शो सुनना मत भूलेगा बिग हीरोज जो कि सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है. एंड आई थिंक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दैट इफ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एवर एंड डू एनीथिंग विद यू आई वुड बी लाइक रियली लकी बिकॉज यू नो लिटरली वो ही अगेन आई वुड से आई वांट टू कम आउट ऑफ दैट सेल्फिश वाला गेम एंड आई वांट टू डू समथिंग. And I think I salute you also that, you know, aap aise logon ko yahan tak pahunchati hain, logon se rubaru karati hain, which is like a big thing. Thank you.